Welcome back. You're watching NewsX. Prime Minister Modi's mega roadshow in Ranchi has started. The Prime Minister is holding a 3-kilometer roadshow attended by over 2 lakh people. Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma has called the roadshow a historic one. The roadshow, which is going to be about 5 hours long, covered 5 constituencies and comes 3 days before phase one voting in Jharkhand. The issues dominating the discourse have been BJP's warnings over infiltration and corruption, while the Congress has played the caste survey card. Today, the Prime Minister alleged a plot to break backward classes in Jharkhand and coined the slogan, "Ek Rahoge to Safe Rahoge." The campaigning, which is in its final leg, is seeing high stakes and a war of words, and the BJP is hoping to win back power in the state. Ritesh Mishra, my colleague, is joining us live at this point in time. Ritesh, Pradhan Mantri ka road show, mega road show, itihasik road show kaha ja raha hai isko, Hemant Biswa Sarma ne kaha hai. Par saath hi saath, Bharatiya Janata Party, jis tarike se chunav ki tayari mein aur muhim mein lagi hui hai, usse saaf pata lagta hai ki kis varg ko target karna hai, wo BJP se achha ya BJP se behtar, koi nahi janta hai. रितेश, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे मिल रही है. रितेश, प्रधानमंत्री की झलकियां दिखाई दे रही हैं, रोड शो चल रहा है इस वक्त. ये बताइए कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए किस तरीके से आवाम वहां पर, क्राउड वहां पर उत्सुक है. और मैंने पहले जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत रही है कि किस समुदाय को, किस वर्ग को कब तवज्जो देना है, वो भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से जानती है. अब बिल्कुल देखिए कि बीजेपी जो है वो सारी चीजें स्ट्रेटेजी के साथ बनाती है, और यही कारण है कि रांची में जो उनका प्रधानमंत्री का 3.5 किलोमीटर लंबा शो है, वो बीजेपी का जो सेंटर पॉइंट है, जो पावर सेंटर है, यानी ये रातू इलाका, हटिया इलाका, रांची का इलाका, यहीं से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा और उनका जो रोड शो है वो शुरू हो चुका है. जैसा कि आपने कहा कि लोगों का हुजूम क्या है, किस तरह से लोगों में उत्साह है, तो एक बार मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं मीडिया के लिए और काफ़ी ही चीज़ें जो है वो सिस्टमेटिक की गई हैं, लिहाजा मैं कोशिश करूंगा, एक बार अपने सहयोगी से बोलूंगा कि आप जूम इन करके सारी चीज़ों को दिखाएं कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं बड़ी तादाद में, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मौजूद है यहाँ की आम जो जनता है, आवाम है, वो मौजूद है. और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको लेकर लोगों में एक उत्सुकता रहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखते कैसे हैं. अमूमन लोग उन्हें टेलीविज़न पर, मोबाइल पर देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, फिर सुनते हैं, लेकिन वो सामने से कैसे लगते हैं, सामने से क्या कुछ कहते हैं, क्या उनका अंदाज है, क्या कुछ व्यक्तित्व है उनका, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लोग अपनी आंखों से देखना चाहते हैं. और यही कारण है कि रांची की जो ये सड़क है, ये रातू रोड है रांची का, और ये सड़क खचाखच भरी हुई है. हम तकरीबन यहाँ पर 3 बजे ही हम पहुँचे थे, और उसी समय से मैं देख रहा हूँ कि उसी समय से बड़ी तादाद में जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, ये जितने भी आपको लोग दिख रहे हैं, इसमें ज़्यादातर जो है वो रांची की आम जनता है. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस थोड़ी ही देर बाद इस पॉइंट पर भी पहुंचेंगे, क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है, उनका रोड शो रांची में शुरू हो चुका है. ओटीसी ग्राउंड है, वहां से उनका शो शुरू हुआ है, और वो तकरीबन 3.5 किलोमीटर का जो लंबा स्ट्रेच है वो उसे पूरा करेंगे, और इस रास्ते से भी उनका जो काफिला है वो गुजरेगा. यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो मौजूद हैं. एक बार मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, यहाँ पर जो भी झारखंड की जो विरासत है, झारखंड की जो अपनी संस्कृति है, जो उसकी विरासत है, वो तमाम चीज़ें अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जो पॉइंट से वहाँ पर दर्शाया जा रहा है. कहीं छऊ नृत्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी की गई है, स्वागत की जा रही है. कहीं पर जो पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं झारखंड के, जो संगीत है, गीत है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है. तो ये झारखंड की तमाम जो चीज़ें हैं वो लग रहा है कि ये
किलोमीटर में वो आकर सिमट चुका है। तो लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है पूरे रांची में। अगर देखेंगे तो झारखंड पुलिस के जो अधिकारी हैं, जवान हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। इसके अलावा बड़ी तादाद में CISF और जो भी केंद्रीय एजेंसीज हैं उनके जो ऑफिशियल्स हैं, एक बार अभिषेक दिखाओ कि किस तरीके से जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं रांची की, उन तमाम बिल्डिंग्स पर जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती की गई है। क्योंकि अंधेरा है, हो सकता है देखने में हमारे दर्शकों को थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं सभी पर जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया है, ताकि कहीं से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो। अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग्स बनाई गई हैं और 2-3 दिन पहले से ही तैयारी शुरू हो गई थी। और सभी जगहों की, चाहे वो होटल्स हों, वो जो संदिग्ध कुछ स्थान है वहाँ पर चेकिंग की गई। और सबसे खास बात इसमें यह है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। इसके अलावा रांची में जो ये रोड शो निकल रहा है उसमें जो यहाँ के सांसद हैं, बीजेपी के सांसद संजय सेठ, केंद्र में वो रक्षा राज्य मंत्री भी हैं, वो लगातार उनकी देखरेख में ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो बस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला किसी भी क्षण यहाँ पर पहुँच सकता है और जो लोग यहाँ पर हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा व्याकुलता है। वो आतुर हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब यहाँ पहुँचे और कब वो उन्हें देखें। और उनके अगर आगमन की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार रांची आ रहे हैं, इसके पहले भी वो 3 बार आ चुके हैं। वो 2019 में भी रोड शो उन्होंने यहाँ पर किया था, 2024 में भी लोकसभा चुनाव में वो यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ पर रोड शो किया था। तो देखिए कि अब बस किसी भी क्षण वो आ सकते हैं। और एक बार मैं बोलूँगा, अभिषेक दिखाओ कि जो भी लोग हैं, देखिए कि उनके चेहरे पर इतनी ज़्यादा उत्सुकता है। और देखिए कि जिस तरह से जो सिक्योरिटी ऑफिशियल से जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, अब ये कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है, उनका जो कॉन्वॉय है, यहाँ से होकर गुजरेगा और लोगों में उत्सुकता है। लोग देखिए कि उछक उछक कर, क्योंकि सीमित यहाँ पर जगह है और लोग देखने की कोशिश में है कि भाई प्रधानमंत्री दिखते कैसे हैं, वो क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं। तो चुनाव की अगर बात करें तो पहले फेज की जो वोटिंग है वो 13 नवंबर को है और उसके पहले देखिए, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या फिर एनडीए अलायंस हो, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जितने भी स्टार कैंपेनर्स हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन विपक्ष की तरफ से हो, खड़गे साहब हो, इसके अलावा राहुल गांधी हो, सभी ने धुआंधार प्रचार करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ इधर देखिए कि आज बीजेपी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर के प्रचारक जो हैं नरेंद्र मोदी, वो रांची में पहुंचे हैं। इससे पहले हटिया और चंदन क्यारी में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर कई तरह के आरोप भी लगाए। तो ये जो पूरा इलाका, मैं आपको बता दूं विनीत, ये जो रांची है, हटिया है या बोकारो है या अन्य जो रांची से सटे हुए जिले हैं, वहाँ पर बीजेपी की अपनी पैठ है, अपनी अमन है और लंबे समय से, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के सांसद यहाँ से लंबे समय से हैं। जो विधायक हैं CP सिंह, वो 6ठी बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अगर जीत जाते हैं तो 7वीं बार वो विधायक बन जाएंगे। ये आप देखिए कि इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रांची कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए और रांची ही पावर सेंटर है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी सत्ता के लिए। तो मैंने पहले ही कहा था, देखिए कि एक छोटा बच्चा है, देखिए आप अभिषेक दिखाएं, छोटा बच्चा है और वो काफ़ी देर से मैं उसे देख रहा था, वो यहाँ पर है, उसके हाथ में देखिए कि बीजेपी का फ्लैग है। वो अलग अलग यहाँ पर झूठियाँ, अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं, अलग अलग रंग, अलग अलग लोग, कार्यकर्ता पूरे रमे हुए हैं। बस उनके मन में यही है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उनका उनकी झलक वो देखें और फिर प्रधानमंत्री इस दरमियान क्या कुछ कहते हैं, इस पर भी सभी लोगों की निगाह है। तो बस किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि न्यूज़ एक्स के जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सबसे पहले रांची में जब प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं उनकी तस्वीर हम लोग दिखाएंगे। रितेश, मैं आपके पास वापस आऊँगा। एट दिस पॉइंट इन टाइम मिस्टर अरविंदर सिंह देओल, JMM spokesperson with us on the program as well. Mr. Ankul Mishra, Congress leader, also joining us on the show. Mr. Deol, I hope you can hear me. Yeah, loud and clear. Mr. Deol, of course, important election. The Prime Minister is there, but, you know, he's made some scathing remarks against the JMM, saying that, there is an effort to break the OBC, the SC, the SC unity in a state like Jharkhand. And he's also accused the JMM-led coalition of corruption and looting the state's rich resources. Do you think this is
just political oratory right before the elections. How would you defend or in fact respond to these charges that have been made by the Prime Minister? First of all, I was just hearing a reporter reporting live from the roadshow, and he's saying everybody's claiming droves of people are just coming out to see what. So I'll tell you why they come out. It's like watching a master of illusion, at best, doing best at his work, and who would miss the front row seats for seeing such a great show, basically put up by such an illusionist. So at one place, he claims credits for achievements that exist only in slogans, because just now I was on some other channel and I was going through some data by the CAG, the famous CAG which led to the downfall of the Manmohan Singh government by giving out data. So there's one scheme called Beti Bachao, Beti Padhao, where the fund allocated was supposed to save the girls. And you know how much, I was surprised to know that 78.9% of that was spent on advertisement. So this is how this illusionist of ours, the Prime Minister of ours, works. So there's a proverb, I don't know if you're aware of it. It's he's best at doing this, to sell snake oil, but to convince people that he's selling the elixir of life. Snake oil is something fake, propaganda, and elixir of life is mythological, that something will keep you young forever. So the crowd, the crowd comes, but they want to see who is this person who has single-handedly destroyed the social fabric of our country. And who is this person, and how did he manage to be on the cover of Time magazine as divisor-in-chief? So there are a lot of things about him. People are really inquisitive. The simple people of Jharkhand, they really want to see who this person is and how could he do this to our country and what does he look like, what he's from outside. They've seen what he has in his mind and what he speaks, but they want to see on the face and how can he carry that guilt to the bed in the night. And the OBC, ST, ST, you think, I'll give you certain examples. Recently, the Supreme Court, a couple of years back, I think, they diluted the STSC, criminal case, the articles under which the people were booked. So, and you would find it surprised to know that the vociferous attorney generals and solicitor generals of India, who at the drop of the pen or drop of the hat, they so vociferously object to the bails of the people, they did not say anything to the court. And eventually, after a big roar, the BJP had to come out with a statement, and they passed it in a, they passed a law in the parliament that no, it'll stay as it is. Then, during the rule of Raghuvar Das in Jharkhand, they diluted the STP, the Chota Nagpur tenancy and Santhal Pargana tenancy law, so that the tribal land didn't go to the corporate. And they say, and they accuse us of dividing the SCs and OBCs and STs. So it's like, it's simple writing on the wall that people are not going to fall for this antics now, no more. And they have made up their mind. So whatever they want to do, however low they want to be. And the best part is, I was just reading Nitin Gadkari's statement yesterday. I don't know if you've caught that or not. He said, I'll read it in verbatim. It was the headlines in a paper. It was in Hindi that BJP ek bahut bada ped ho gaya hai, aur us ped mein keede lag gaye hain. Ab ispe kitnashak chhidakna hoga. I don't know. You ask the BJP spokesperson who these keeda he meant. Who are these keedas in BJP who are destroying the nation and the party? And it's none other than Nitin Gadkari, the much respected leader of the BJP. So, Mr. Yogi's nara of cuttinge to battenge to cuttinge, Ajit Pawar said, no, nothing doing. This is not, we cannot accept this in Maharashtra. So I want to ask the parties we are supporting, BJP in Jharkhand, do they subscribe to this?
happened. So it's really sad how what are they doing? And okay, their statement is like, we are just doing a Hindi version of English proverb saying, "United we stand, divided we fall." But I just want to ask them, in this, Patenge, is Indian Muslim included in that, or it's just for Hindus? So please make them clarify. If it is for all the Indians, can they add Indians Patenge to Katenge, or it is only for Hindus Katenge or Patenge? So I want to have a clear view on that, because I'm very confused. Right, sir. So stay on the call. Mr. Ankul Mishra, Congress leader, also with us on the program. Mr. Mishra, thank you for being here. I hope you can hear me. Yes, yes. Well, the Prime Minister made similar jibes against your party as well. He said the Congress wants to divide the OBCs by pitting subcastes against each other. And he urged the people to unite against the Congress party when he said that if they stay united, they will remain safe. Ek rahoge to safe rahoge. How do you respond, sir? Prime Minister का जो कहना it true नहीं है, it is not true. और Prime Minister बहुत हल्का बात बोल रहे हैं, हम हिंदी में बोलना चाह रहे हैं. जी जी बोलिए. Prime Minister हल्का बात बोलना चाह रहे हैं. यहाँ सभी लोग unite हैं भारत के लिए, देश के लिए, और बटेंगे और कटेंगे किसी particular caste और religion पर आधारित उनका है slogan, जिसको कि झारखंड में कोई अहमियत नहीं है. यहाँ पर इस ढंग का काम वो बराबर करते रहते हैं, किसी भी मीटिंग में इसी ढंग से प्रभोग करते हैं, किसी भी इलेक्शन में उनको आपको याद दिलाते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर यूपी के माने जो चीफ मिनिस्टर हैं माने जोगी जी के यहाँ जब आते थे तो उसमें रघुवर दास यहाँ का सीएम था पिछले चुनाव में, तो बोलते थे अगर डेवलपमेंट देखना हो, विकास देखना हो तो रघुवर दास के यहाँ आई. और उसी रघुवर दास को आपको जानकारी होगा कि सीएम रहते हुए भी उनको मैंने बड़ी बुरी हार हुई है जमशेदपुर में. तो रोड शो करना, प्रधानमंत्री को देखने के लिए आना और लोगों को इकट्ठा करना, ये भाजपा का पुराना एक हैबिट है, ये कोई नया हैबिट नहीं है, बहुत पुराना है. और उसी थ्योरी को बार बार वो अप्लाई करते हैं, लेकिन हकीकत जो है उनके नारा से कोई आदमी प्रभावित. दूसरा बात, रिजर्वेशन और एसटी ओबीसी की बात करते हैं, तो ओबीसी का जो आरक्षण है किसने छीना बताइए? बीजेपी के गवर्नमेंट ने छीना है. जब झारखंड का बंटवारा हुआ तो 27% ओबीसी को रिजर्वेशन मिल रहा था, और अब उसको घटा के 14% कर दिया. किसने किया? बीजेपी ने किया. बीजेपी ऑल्सो एक्यूज्ड है इसमें, और वो बोल रहा है कि हम देंगे. तो क्या जनता इतना मूर्ख है? पढ़ा लिखा लड़का जिसका आपने मैंने एक तरह से पूरा लाइफ बर्बाद कर दिया, वो क्या आपको वोट करेगा? क्या उसको अपना समझ नहीं है कि 27% से 14% आपने किया है? इसलिए प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर जितना वो जोर लगाएंगे चुनाव में बुरी तरह पराजित होंगे, बुरी तरह. अगर जोर कम लगाते तो हो सकता था कि लड़ाई में रहते पीछे होंगे ही, उसमें तो कोई शंका है नहीं. एनडीए से वो यहाँ किसी भी हालत में नहीं जीत पाएंगे. अच्छा, लोग एमपी के चुनाव का दर्शन कर दिखाते हैं, तो बताइए तो पिछले बार तो एमपी में 12 सीट वो लोग जीते थे, और फिर सरकार बनाने में 50 सीट कैसे अपोजिशन जीत गया, उनको 25 पर कैसे लिमिट कर दिया, 65 का उन्होंने नारा दिया था. इसलिए ये सब झूठा स्लोगन देके स्लोगन के बल पर पार्टी चलाते हैं. इसलिए यहाँ प्राइम मिनिस्टर के अनुरोध का, अपील का कोई असर नहीं है. झारखंड में तीर धनुष चलेगा, गठबंधन की सरकार होगी, मेरा यही रिमार्क है. चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए मिस्टर दियोल, अप्रिशिएट यू जॉइनिंग अस एज वेल. ऑलराइट, मूविंग ऑन, वन आर्मी जवान हैज बीन मार्टर्ड इन किश्तवाड़ एनकाउंटर एंड थ्री अदर